नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आश्रमी YouTube चैनल पर। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो कृपया सब्सक्राइब कर लें। आइए आज का विषय हम शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे राहु और उससे जुड़ी हुई समस्या और कुछ निदान के विषय में, समस्याओं के कुछ दोष करने के साधारण उपाय। राहु हथेली में होता कहाँ है? सबसे पहले ये स्थिति को जानना। हमने जैसे कि पूर्व में भी बताया कि राहु हथेली के बीच वाले भाग में पाया जाता है। ये मस्तिष्क रेखा का ये नीचे क्षेत्र, ये क्षेत्र जो है ये हमारा राहु का होता है। ये क्षेत्र जो है राहु का माना जाता है। ये क्षेत्र हथेली की इस स्थिति, यहाँ इस भाग को देख कर हम राहु की स्थिति के विषय में जान सकते हैं। राहु जहाँ तक है कि राहु जो है नौ घरों में से राहु को जो है राहु है और केतु है, ये बुध ग्रह ऐसे हैं जो लोगों को सफलता में कहा जाता है कि ये अड़ंगा डालते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन ये सफलता में सहायक भी होते हैं। इसलिए इन घरों पे विशेष ध्यान दिया जाता है ज्योतिष शास्त्र में। राहु से संबंधित समस्या, आपके हथेली में राहु गड़बड़, ये स्थान आपके हथेली में ज़्यादा गड्ढा, गड्ढे सभी के होते हैं, लेकिन अगर आपके हथेली में ये स्थान में ज़्यादा गड्ढा होती है, समझा जा सकता है कि राहु से संबंधित कुछ समस्याएं आपको हो सकती है। आइए कुछ लक्षण देखते हैं। अगर किसी जातक के विवाह हो चुका है, समय पर संतान नहीं होना, संतान प्राप्ति में समस्या, ये राहु की समस्या हो सकती है। विवाह में समस्या, उम्र निकल रही है, विवाह नहीं हो रहा है, विवाह हो गया है, आपस में बनता नहीं, विवाह विच्छेद की नौबत आ चुकी है, स्थिति आ गई है, तो ये सब राहु की। कोर्ट कचहरी, किसी भी कारण से लड़ाई झगड़े में फंस जाना, कोर्ट कचहरी में जाना, कारावास इत्यादि, ये सब राहु की समस्या अधिक लाती है। राहु बुद्धि को हर लेता है, आपके विचार बुद्धि को खराब कर देता है। राहु, अगर राहु आपका गलत होगा तो गलत कार्य करने की प्रवृत्ति हो जाएगी आपके अंदर में, गलत कार्य। आपका अपना घर रहते हुए आपको घर का सुख नहीं मिलेगा। आप अगर राहु की अंतरदशा महादशा में, आपको कुछ ऐसे पुराने रोग उत्पन्न हो जाएंगे जो लंबे समय तक चलेंगे। तो हथेली में राहु का कमजोर होना या दबा होना जो है ये अच्छा नहीं माना जाता है। इसे कुंडली में, कुंडली सभी के पास होती नहीं है, इसलिए हथेली से हम इसका आकलन करने की कोशिश करते हैं। अब एक राहु, इस क्षेत्र पर राहु रेखाएं पाई जाती है, इसकी चर्चा अक्सर सभी लोग करते हैं, मैं भी बताते हुए आ रहा हूँ। राहु रेखाएं क्या होती है? आपके आयु रेखा, भाग्य रेखा, मस्तिष्क रेखा को काटते हुए, हृदय रेखा काटते हुए आपके जो ज़्यादातर बुध क्षेत्र की ओर जाती हुई प्रतीत होती है। ये रेखाएँ यहाँ से निकलती है, इस प्रकार से ये रेखाएँ निकलती है और ये जो है इस प्रकार से काटती है, ये देखिए इस प्रकार। ये जो है शुभ स्थिति नहीं मानी जाती, मानी जाती है कि आपके हर कार्य में विलंब होगा, समस्याएं आएगी, ये शुभ स्थिति नहीं है। नुकसान सब जगह पहुंचा रहा है, आयु पे, भाग्य पे, मस्तिष्क पे, हृदय पे, ये बुद्धि की ओर चले जाती है। ये लंबी राहु रेखा जो होती है बिल्कुल अच्छी नहीं मानी जाती है। ऐसे छोटी छोटी राहु रेखाएं करीब इस प्रकार से भी हथेली देखने को मिलती है, इस प्रकार से तो राहु रेखाएं इस प्रकार से आप देख सकते हैं। हथेली में जो रेखाएं बनती हैं वो राहु से संबंधित दोष, ये बुद्धि को भ्रमित करने वाला, गलत कार्य के प्रति। अब एक राहु से बचने के कुछ मैं सामान्य उपाय बता रहा हूँ। ये सामान्य में कोई बड़ा मंत्र, कोई बड़ा अनुष्ठान में बताने नहीं जा रहा हूँ, ये एक सामान्य प्रक्रिया है जो आप अपना सकते हैं। जैसे राहु के लिए आप मोर का पंख अपने घर में, कार्यालय में, या जहाँ कार्य क्षेत्र है आपका वहाँ रख सकते हैं, अपने कमरे में मोर का पंख रख सकते हैं। ध्यान दीजिए, मोर का पंख मोर को मार कर लिया गया नहीं हो, मोर जब खुद में खुद जब पुराना हो जाता है, वो पंख झड़ जाता है, वो पंख उपयोगी होता है, वही कारगर होता है। तो वैसा ही पंख लें कि स्वतः अगर गिरा हुआ पंख मिले वो ज़्यादा अच्छा माना जाता है। तो मोर पंख जो है घर में रखे। अब मोर जो क्या होता है, सांप का दुश्मन होता है। ज्योतिषी में राहु को जो है सर्प की संज्ञा दी गई है, इसलिए। और है कि अपना आचार विचार बुद्धि को तो बिल्कुल सही रखें, क्योंकि बुद्धि को राहु हर लेता है, गलत कार्य की प्रवृत्ति हो जाती है। जरूरतमंद हो, गरीब व्यक्ति हो, उसकी मदद अवश्य करें, राहु इससे सुधरता है, अच्छी स्थिति में आता है। मूली का दान, सफ़ेद वस्तु का दान कर सकते हैं, जिसमें है कि आप मूली रात में अपने सिरहाने पर रखें, सुबह उसका दान कर दें। अपने आचार विचार को बिल्कुल स्वस्थ रखें, मांस और मदिरा से दूर रहें। आप जो है एक मंत्र, बीज मंत्र का भी ये जाप कर सकते हैं, ओम रांग राहुए नमः। शाम में इसे रुद्राक्ष की माला पर आप संभव हो तो एक माला अवश्य जाप करें, आपको इसमें से अच्छा खासा निदान नजर आएगा। शेष अगले अंक में हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।